अगर मैं मस्जिद में बम रखा है, अगर मस्जिद में आगने आस्तम रखा है, अगर मंदिर में, अगर मस्जिद में आतंकवादी है, तो ऐसे में मस्जिद को उड़ा देने में कोई पाप नहीं है। उड़ा दो उसको बम लगा के। अगर मंदिर में शराबी है तो बंद कर दो ताला ऐसे मंदिर का। नहीं चाहिए ऐसा मंदिर हमको। हनुमान जी बोले एक भी मंदिर नहीं बचेगा। तब क्या देखे? कहा जहां अग्नि जोधा है मंदिर। अब घूम रहे हैं घर घर का पर्दा टाली, पर्दा टाल के देख रहे हैं एक बड़ी सुंदर औरत सोई है। कौन है? कहा सजन किए कभी मंदोदरी सोई थी। हनुमान जी घबरा गए। बाप रे बाप, इतनी तेजस्वी ओजस्वी मनस्वी और इतनी सुंदर। एक बार हनुमान जी विचलित हो गए। कौन है? संभल गए। अम्मा नहीं हो सकता, इतना निर्दम तो नहीं सो सकती। क्या तब आधी रात को घूमते घूमते हनुमान जी को भोर हो गया। और जब भोर हो गया लंका से थोड़ा बाहर निकल गए तो उनको सुनाई पड़ा क्या भोर में भजन गा रही है। हे कौन? लंका में एक मकान से भजन की आवाज आ रही है जहां भैंसा गधा कुत्ता सियार शराब का कारखाना है, जहां लोग पी पी के उल्टे हैं, वहां से भोर में भजन आ रही है। क्या है? हमारी माताएं बहने गाती हैं। क्या गाती हैं? आधी रात को नहीं भोर में भजन हो रही है। हमारे मन बसी गई ले बहुत माताएं हैं। भोजपुरी समझती हो? समझती है। लंका में आवाज आ रही है क्या? अरे हमारे मन बसी गई ले सियाला घूमती रहो। घर से आवाज आ रही है अरे बड़ा नीक लागेला। कहां कहां बड़ा नीक लागेला। सरजू के तीर हो हमारे मन भजन की आवाज आ रही है। 12 बजे नहीं 4 बजे भोर में आवाज आने लगी। राम 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 राम। हनुमान जी ने कहा बाप रे बाप, लंका में राम राम की आवाज ये कौन होगा? हे हनुमान जी परेशान हो गए और
उसी समय 4 बजे भोर में एक लंका का साधु जग गया। कौन? पाते ही समय विभीषण हनुमान जी महाराज ने कहा, भोर में लंका में ये राम नाम कहने वाला राम भक्त कौन है? हनुमान जी गए और हनुमान जी ने प्रणाम किया और दोनों मिल गए, साधु साधु मिल गए। हनुमान जी से विभीषण ने कहा, आप कौन है? हनुमान जी ने कहा, मैं रामदूत हनुमान हूँ। मैं आपके लंका में अपनी मातेश्वरी को खोजने आया हूँ। मेरी अम्मा कहाँ है बता दीजिए। विभीषण ने कहा, आपकी अम्मा मिलेगी, लेकिन बात कठिन है। बोले, क्या कठिन है? कहा, वो सामने पेड़ देख रहे हो? 5 मिनट सुनो ध्यान से, बैठ जाओ। ये भैया चदरा वाले बैठो, अपने जा रहे हो, दूसरे से बुला रहे हो, बैठ जा, बैठ जा बिटिया। कहाँ जा रही हो? आती है बिना अभी खिचड़ी नहीं बन रही है, बैठ जा। कथा छोड़ के जाओगी तो अपने घर नहीं पहुंच पाओगे। जाना बदबीहा चली जाओगी तारा इधर से इधर पुल पर, लेकिन तो सब एक है बदबीहा और तारा। ये सुन लो केवल 5 मिनट और। हुआ क्या? विभीषण ने कहा, वो सामने पेड़ देख रहे हो? पाजी, उस पेड़ में एक